हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है CLIOP 831A सीरीज का क्या है, एक कंट्रोलर है। आप लोग देख सकते हैं 831 का है ये जो है, अगर आप लोग देखेंगे 821 का है। तो ये जो है कंट्रोलर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसका वायरिंग कैसे होता है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जम्पर वगैरह भी जो है लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ये पूरा जो है मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले से जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट AC और 0 वोल्ट, यानी फेज और न्यूट्रल जो है 24 वोल्ट का है। यहाँ से इसको ये कंट्रोलर को ऑन करने के लिए हम लोग इसमें सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये इंटरलिंक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 पोर्ट है, वैसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी है। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये क्या होता है कि पूरा लूप होता है। ऐसे कंट्रोलर जो है बहुत से कंट्रोलर को लूप करके हम लोग जो है ऐसे मास्टर कंट्रोलर में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये मास्टर कंट्रोलर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं अलग से ऐसे जो है बहुत से कंट्रोलर को यहाँ पे कम्युनिकेशन ला करके आप लोग देख सकते हैं कनेक्ट करके हम लोग यहाँ से जो है आउटपुट एक ही जो है भेजते हैं। तो ये बहुत से कंट्रोलर को हैंडल करता है, बहुत से कंट्रोलर को 10-12 कंट्रोलर को हम लोग इसमें कनेक्ट करके जो है भेज सकते हैं हमारा जो है सर्वर में। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे अलग अलग कोड है, कलर है, कलर कोड आप लोग देख सकते हैं। ये जो है बाइनरी इनपुट का है। बाइनरी इनपुट का मतलब क्या है कि ये जो है DI का है, डिजिटल इनपुट का है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं स्टेटस लेते हैं। जो भी हमारा फील्ड में इक्विपमेंट है वो किस उसका जो है स्टेटस जो है क्या है, वो रनिंग है, ऑफ है, अलार्म है, उसी का आप लोग को DI पता होगा, डिजिटल इनपुट। फील्ड का इक्विपमेंट होता है उसका स्टेटस बताता है कि उसमें क्या है, उसका कंडीशन क्या है, वो ऑन है, ऑफ है, उसका क्या कंडीशन है। तो वही चीज़ जो है अगर आप लोग देखेंगे आप इसमें जो है 12 जो है आप लोग देख सकते हैं, 1 से लेके 12 जो है DI है, बाइनरी इनपुट है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी इसमें रनिंग है इसका जो है इंडिकेशन जल रहा है, यानी 1 का 2 का 3 का आप लोग देख सकते हैं, लेके 12 तक है। तो इसमें 4 अभी जो है आप लोग देख सकते हैं स्टेटस इसका दिखा रहा है। तो ये जो है स्टेटस दिखाता है AI AO में, स्टेटस जो है ये लाइट नहीं रहता है, सिर्फ आप लोग को DI DO में मिल जाएगा। ये जो है हमारा फील्ड से आता है और इसको हम लोग फील्ड में भेजते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं 12 है। तो 12 जो है ये 12 इक्विपमेंट को कैसे कनेक्ट करेगा, एक इक्विपमेंट आप लोग देख सकते हैं आ रहा है, एक लग रहा है। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो इसमें कॉमन भी रहता है, 1-2 कॉमन रहेगा या 4-5 एक कॉमन एक जो है आप लोग को मेन सप्लाई कॉमन हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कॉमन सप्लाई जो है हम लोग कहीं से भी इसमें क्या होगा, हम लोग 0 वोल्ट लेके जाते हैं, वहीं जो है हमारा फील्ड से जो है शॉर्ट करा के लेके आते हैं। ये जो है हम लोग इसमें जो है 0 से लेकर के BI में 24 वोल्ट तक डाल सकते हैं। ये जो है इसका टर्मिनल का लिमिट होता है कि कितना वोल्ट तक हम लोग इसमें डाल सकते हैं। येलो आप लोग देख सकते हैं ये जितना है, तो ये यहाँ पे जो है क्या है 0 वोल्ट जो है फील्ड में जा रहा है, फिर वही जो है हमारा फील्ड से घूम के आ रहा है। तो सिंपल सा ये हमारा कनेक्शन हुआ है। तो अलग अलग जो है कनेक्शन होता है, सिंपल सा क्या होगा, हम लोग जो है TV वगैरह से क्या करते हैं कि सप्लाई लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सप्लाई जो है हम लोग यहाँ से 0 वोल्ट लेके जाएंगे, जो कॉमन से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है G1 G2, तो ये ग्राउंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये G1 G2 जो है ये कॉमन ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेके जाएंगे, वही जो है हमारा फील्ड से घूम के आके एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट होगा 12 इक्विपमेंट 12 का इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस ले सकते हैं। स्टेटस में क्या होता है आप लोग को पता होगा कि फील्ड में जो है हमारा यहीं से कहीं TV से जो है कोई भी जो भी सप्लाई हम लोग डालते हैं, 0 वोल्ट डाल सकते हैं, 24 वोल्ट डाल सकते हैं या 12 वोल्ट डाल सकते हैं, जो भी हम लोग लेके जाते हैं वहीं आके इसमें कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 0 कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आप लोग को बाइनरी इनपुट का पता चल गया, एनालॉग आउटपुट इनपुट और एनालॉग आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए ये आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ग्राउंड जो है हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट दोनों में क्या होता है कि हम लोग को ग्राउंड डालना पड़ता है। तो ग्राउंड जो है कॉमन जो है डालना पड़ता है, तो 0 वोल्ट जो होता है डालना पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 4 और 4 8 है, 8 इसमें आप लोग देख सकते हैं 8 इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, ग्राउंड यहाँ से 0 जो है नहीं यूज किया जा रहा है, नहीं कनेक्ट किया हुआ है। तो जितना भी ये ग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं G1 G2 में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जितना भी ग्राउंड है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आई एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट क्या होता है कि जो हमारा फील्ड से इक्विपमेंट जो है 0 to 10 वोल्ट या 0 to 5 वोल्ट या 4 to 20 mA देता है, जो हम लोग
फील्ड का इक्विपमेंट जो है उसको जो है हम लोग रीड करते हैं, वो है ये जो है DDC 0 to 10 को रीड करता है। तो हमारा जितना भी इक्विपमेंट है वो 0 to 10 जो है वो देगा, वहीं हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। अगर वहीं जो है अगर हम लोग को जो इक्विपमेंट जो फील्ड का डिवाइस जो है अगर दे रहा है कितना 4 to 20 mA, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे रजिस्टर लगा के इसको कन्वर्ट करते हैं DC वोल्ट में 0 to 10 में और यूज कर सकते हैं। रजिस्टर आप लोग देखे होंगे बहुत से DDC में लगा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना है 8 है, फिर आगे ये ग्राउंड है, फिर AO के लिए एनालॉग आउटपुट जो है हम लोग कंट्रोल डालते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट में कितना कंट्रोल डालना है कि अब मान लीजिए कोई VFD है कितना स्पीड पे चलाना है, कोई डैम्पर का एक्चुएटर है उसको कितना ओपन करना है, कोई जो वाल है हमारा उसको कितना परसेंट ओपन करना है, किस वैल्यू पे उसको चलाना है, उसके लिए हम लोग कंट्रोल डालते हैं। तो कंट्रोल में अगर आप लोग देखेंगे तो 8 इसमें भी है, इसमें हम लोग 8 जो है AO डाल सकते हैं, AO के लिए यूज कर सकते हैं। तो AO में अगर हम लोग को क्या करना है कॉमन यूज करना है तो यहाँ से एक ले लेंगे और एक जो है हमारा यहाँ से जाएगा, सिंपल सा जितना भी इसमें का कॉमन होगा ये AI का इसमें एक ही में कनेक्ट हो जाएगा। 2 दिया हुआ है हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 है तो कॉमन हम लोग इसमें एक वायर मान लीजिए लेके आते हैं लगा देते हैं और TV में ही शॉर्ट कर लेंगे जितना, तो पूरा कॉमन आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा वहाँ से 0 to 10 का वोल्ट का जो वायर आएगा इसमें कनेक्ट होगा। तो AI का वैसे होगा सेम, वैसे क्या होगा कि ये DI AO का है एनालॉग आउटपुट का क्या होगा कॉमन अगर हम लोग को लेके जाना है तो यहाँ से लेके जा सकते हैं या कहीं से भी कॉमन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन यूज नहीं किया हुआ, कहीं से भी हम लोग TV में से शॉर्ट कर लेंगे, कोई भी कॉमन 0 वोल्ट जो होगा ले लेंगे और यहाँ से AO आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 ले लेके एक एक वायर लेके चला जाएंगे। तो AO भी वैसे है और AI वैसे सेम है। BI का आप लोगों को पता चला कि हमारा एक ही वायर जाता है वहीं घूम के आता है तो वहीं आके कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा हम लोग सप्लाई जो है 0 वोल्ट कहीं से ले लेंगे, TV में से कहीं से लेके जाएंगे, कहीं से भी लेके जाएंगे, वहीं घूम के आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है DO का है, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे NO 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जो है आप लोग देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का 6 जो है रिले आउटपुट कह सकते हैं, इसको NO कह सकते हैं या DO कह सकते हैं, ये जो है DO है। तो इसमें जो है कनेक्शन दो टाइप से कनेक्शन कर लिया। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जम्पर लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हर एक के लिए एक एक जम्पर लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5 जो है जम्पर इसमें लगाया हुआ है। तो इसमें जो है 6 जो है अगर आप लोग देखेंगे हम लोग जो है DO को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिले आउटपुट है, तो ये जो है हम लोग इस रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो यही जो है हम लोग कमांड देते हैं, यहाँ से जो है कमांड देते हैं, तो कमांड कोई भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए सिंपली हम लोग भेजते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे IN 1 2 3 4 5 6 तक IN है, ये जो है NO यानी 6 NO है, लोग देखेंगे ये लाइट भी चल रहा है इसका। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं, यहाँ से आउट कर रहे हैं, यहाँ से डाल के यहाँ से आउट करते हैं, यहाँ से डाल के इन में डाल के और 3 आप लोग देख सकते हैं NO में आउट करते हैं। वैसे इसमें नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन अगर जो है हम लोग इसको चाहेंगे कि वैसे कनेक्शन नहीं करके सिर्फ हम लोग ये 40 नंबर जो है इसमें सप्लाई दे दें, ये आप लोग देख सकते हैं सिर्फ जो है 40 नंबर में सप्लाई दे दें तो क्या हो जाए ये पूरा शॉर्ट हो जाए। अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा मैं अलग अलग सप्लाई नहीं दे करके अगर चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कि ये 40 नंबर में एक सप्लाई डाल के ये 6 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक सप्लाई डालें तो ये पूरा शॉर्ट हो जाए, इंटरनली ये जो है शॉर्ट रहता है। तो ये शॉर्ट करके हम लोग यहाँ से एक एक जो है आउटपुट ले सकते हैं, यानी एक ही कॉमन इसमें डालेंगे और वहीं सप्लाई जो है यहाँ से एक आउट होगा, एक यहाँ से अलग अलग आउट होगा। तो उस टाइम में हम लोग जो है ये जम्पर का सेटिंग कर सकते हैं। जम्पर का सेटिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ये जम्पर जो है आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 पिन है। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो एक नीचे का पिन जो है खाली है, ऊपर में लगाया हुआ है, इसको हम लोग निकाल के अगर यहाँ पे ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये पिन जम्पर आप लोग को पता होगा, ये निकाल के अगर हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला में लगा देंगे तो उस टाइम में जो है हम लोग सिर्फ ये यहाँ पे एक ही वायर में जो है क्या करेंगे सप्लाई देंगे, 40 नंबर यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देंगे और ये जम्पर जो है पूरा ऊपर से निकाल के, ये पूरा ऊपर है अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें लगाया हुआ है, ये इसमें नहीं है, तो इसमें लगा हुआ है। ऐसे अगर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 पाँचों में ये आप लोग देख सकते हैं नीचे में लगाया हुआ है,
और 40 नंबर से ये लॉक है, आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट है। एक्सटर्नल सप्लाई 40 नंबर में खाली हम लोग डाल देंगे तो ये शॉर्ट हो जाता है, जैसे नीचे करेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा। अभी जो है ऊपर में तो ये शॉर्ट नहीं है। तो इसमें जम्पर का सेटिंग जो है सिंपल से, ज़्यादा यूज होता भी नहीं है इसका। हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें डाल के यहाँ से आउट कर रहे हैं। सबका सेपरेट सेपरेट है। अगर हम लोग को ये आप लोग देखेंगे नीचे जो है पूरा में 0 वोल्ट डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 0 नंबर सप्लाई जो है पूरा में नीचे डाला हुआ है, यानी एक ही सप्लाई डाला हुआ है। तो इससे सिंपल सा है, इसमें डाल के निकाला जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक ही जगह सप्लाई डाले 0 नंबर और ये पूरा से आउट एक एक जो है हमारा वहीं सप्लाई निकले, उसके लिए ये जम्पर यूज किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर 40 नंबर में डालेंगे तो ये जम्पर जो है निकाल के हम लोग को इधर से 1 और 2 नंबर में जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया है वैसे डालना पड़ेगा। अभी जो है ये पूरा ऊपर है क्योंकि ये यूज में नहीं है, अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे। हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर डाल के, आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे 0 नंबर डाल के निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो डाल रहे हैं वही निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसका सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप लोग को सेटिंग करना है तो सिंपल सा आप लोग कर सकते हैं। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं पावर का है, और ये जो है एरर का है, फॉल्ट का है। तो ये आप लोग को इसके बारे में जो भी डिटेल था मैं आप लोग को बता दिया। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो ऐसा कंट्रोलर मिलता है तो आप लोग को ये सेटिंग पता होना चाहिए, इसका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।